बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हाज़रीनों नाज़रीन। सलाम पाकिस्तान प्रोग्राम में आपका मेज़बान शाहिद ज़िया हाज़िरे ख़िदमत है। आज का प्रोग्राम एक शाम खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी के नाम है। हमारे मुआशरे में समाजी अदारों और समाजी कारकुनों का करदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुआशरे में फैलती हुई दहशत गर्दाना बद अमनी के मसाइल और दीगर मसाइल का हल सिर्फ़ इसी सूरत में मुमकिन है जब मुआशरे के अहम और पढ़े लिखे अफराद शऊर की आगाही के साथ मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे और इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। मुआशरे में समाजी तंजीमों के ज़रिए अमन और खुशहाली की फ़ज़ा को कायम किया जा सकता है। नारवाल में खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो अपनी मदद आपके तहत मुआशरे में अमन की बहाली, इंसानियत की खिदमत और अवाम के मसाइल को हल करने में अपना भरपूर करदार अदा कर रही है। सोसाइटी का मंशूर परेशानी में इंसान अकेला ना रह जाए, इस पर सोसाइटी का हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी अहसन अंदाज के साथ निभा रहा है। खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी जिसके बानी और सरपरस्त आला मारूफ समाजी शख्सियत जनाब एजी खान साहेब हैं, चेयरमैन मुख्तार अहमद कम्बोज साहेब, सदर शौकत अली साहेब और जनरल सेक्रेटरी नदीम अयाज वाला साहेब हैं। सोसाइटी का मंशूर परेशानी में इंसान अकेला ना रह जाए। खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी नारवाल ने हमेशा इलाका की फलाह बहबूद और इंसानियत की बेलौस खिदमत में अपना अहम करदार अदा किया है। सोसाइटी का हर कारकुन जज्बाए खिदमत खलक से सरशार नज़र आता है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जनाब अनवारुल्लाह पन्नू साहेब के भाई अब्दुल्लाह पन्नू साहेब, जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब मियां मोहम्मद बूटा साहेब, चीफ एग्जीक्यूटिव अलगनी डेवलपर, और इनके साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ समाजी शख्सियत एजी खान साहेब, सरपरस्त आला खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं चौधरी हसन यूसुफ, और इनके साथ फैज़ अहमद फैज़ जो हमारे कौमी शायर हैं, उनके ख़ानदान के चश्मो चराग जनाब चौधरी करामत ततला एडवोकेट साहेब, वो तशरीफ़ फरमा हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी के नाम एक शाम मनाने जा रहे हैं, नाजरीन आपको आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ा मैसेज मिलेगा। और हमारे लाहौर से बड़े फनकार जो स्टेज के फनकार हैं, जो आपके चेहरों पर खुशियां बखेरेंगे और आपके साथ वो एक हंसी मजाक में आपको एक मैसेज डिलीवर करेंगे। मैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ रहा हूं और मैं दावत देने जा रहा हूं बड़े बड़े फनकारों की टीम के साथ, हुमा शहजादी और उनकी टीम। एक भाईजान हर बंदा परेशान हो गया, टेंशन जो पै गया, महंगाई ने इतों तक लग तोड़ दिता गरीब आदमी का, गरीब की जिंदगी खता बर्बाद हो गई है। मैं इस घर एक मैडम रही है, घर नौकरी कर ना तो कभी टाइम ना खाना मिले तो ना कभी टाइम ना तनखाह मिली, एक परेशानी। एक दिन मैं आके कह दिता मैडम जी मेरा कोई महीना बधा दौ, कभी जा पुत्र अज तो बाद तेरा महीना हो तीह दिन का नहीं चालीस दिन का हो गया। मैं पर्स फड़ के खड़ी हाँ,
नौकरी रखो मेरी भी जान छुट्टे मेनू खाने भी आप खाने पीने रोटियां आप खानिया पीदिया ने लगना मैं थोड़ा डलाइवर नहीं इस घर का जमादार मेनू फोन ते आया सी नगरानी लागे मैं आ रही हां हाले तक पहुंची नहीं है पता नहीं की गल है नगरानी हाले तक क्यों नहीं आई नौकर 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 जी पाच रहे ठीक हो गया मैडम जी मैडम देख लो चलो कहीं जुआ भी निकाई परेशान होने तुम करो इतने बवो 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 तुरे निगरानी आ रही थी बीबी जी परस में पैसा तेल लगे है कोई ना तू चोरी करना है नहीं नहीं मैं मोया चोरी करना नहीं मैं कल दसा चलो जाओ अल्लाह खैर करे चलो
ਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀ ਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਘਰ ਰਿਓ ਘਾਰੀਓ ਉਹ ਕਰਈਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਣੇ ਹੋ। जनाना सवारी दे नाल ऐवी ऐसी वैसी गल करिए, सानू ऐसी कोई लोड़ नहीं। दरअसल जी गल निक्की जाइए बस, मैं ना रहण वाला चीचा नहीं ना। ओ तेरा बेटा तेरे अखबार इश्तेहार पढ़िया। अच्छा अखबार बड़ी मशहूर और मरूफ अखबार है। हाँ जी केड़ी? ओदा नाम है मेरा नारोवाल न्यूज़। अच्छा हाँ जी, ये चैनल है मेरा नारोवाल न्यूज़, अखबार का नाम है मेरा नारोवाल। ओदे ते मैं इश्तेहार पढ़िया है कि थानू ड्राइवर की जरूरत है जी। तो मैं हाजिर हो गया। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੋਟੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਆਸ ਕਰੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਖੋਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਸਤਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੌਲੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਭਾਈਆ। ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੀਚਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਸਤਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇਗ ਹੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਿੱਕੀ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਝੂਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਓ, ਖੋਤਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ। ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲ ਕਤਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਲਏ ਨੇ। ਸਦਾਦਾ ਆਸਵੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਕੋ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕਣ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲੋਕੀ ਕਣ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਈਦ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ।
रक्षा चला लेना ट्रैक्टर चला लेना तू कि यार जो वेले हो फिर काम करना ही पैना मैं किनू देता जो पाड़िया कीड़ा निकलिया मैं फिटे हूं तेरा मैं यार गल सुन तू पंजा का किनू दिता कीड़ा निकलिया कहता भाई ये पंजा के किनू कीड़ा ही निकला सी और मोटरसाइकिल थोड़ी निकलना करो जी मेनू नौकरी रखो ठीक है इस तरह करो जाओ क्यों मैं तनखा पुछ तो बगैर नहीं जाना मेरे पहले तनखा दस तनखा की लगोगे तुम सदका भी अपने नाम कट ले थोड़ी बता चलो ठीक है गल बड़े तरीके ना करनी उपर शेर अपने हल्के इलेक्शन नहीं जितया सफाई करदे करदे सफाई दूसरी भी कर जांदा जी चल इधर आओ मैं देखा किथे सफाई कीती है चेक कर लो सफाई कीती है ओसे तेरे वास्ते ठीक दे आ पैसे देने आ खरीदी करवा रही मैं तेरे को काम बना के कर सफाई बीबी जी ऐवें कुड़ियां नूं दांदियां ना करो ए बेचारियां निगरानियां तू चुप कर मैनूं पता किन्नू किसे पास रखना ठीक भी ठीक है नाना चंगी तरह गिलास धो के लिया सिर्फ पा के पैसे शुरू हो जाते
ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਚੱਲ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ डांट के भजा दिता चले बंदे दो दिन चार दिन काम करे मैं पैसे दिया कल आई अब पैसे मंगन लग गई बीबी जी कैसा तरीका बीबी जी गल तो दसो मेरे ब्याह का की किया चलो ठीक मैं नहीं करा मेरा जनाजा जरा बंद ने नहीं फिर चुकना नहीं खुसरिया की जरूरत है उन्होंने कहना तो ब्याह नहीं हो चढ़ा तप मारो अच्छा चलो ठीक है आ जाते ने मुलाजम लौड़ी एक लगता नहीं मुलाजम आया सर्कट चलदा सोना गुजारा हूं मैडम जी महंगाई का दौर है गुजारा नहीं हो गया मेरी बेगम मजबूर होके सारे मजबूरिया जी तरस खाओ साड़े लोग ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤਰਸ ਖਾਓ ਤਰਸ ਹੀ ਹੈ ਤਰਸ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਏ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਰਹਿ ਕੰਮ ਕਰ ਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਚਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਐ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਨਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਆਂ ਸਮਝੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਹੋ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਓ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
जे ओना दा कुड़ी काम करेगी ते कुड़ी ने कीती है बदतमीज साडी चदराणी नाल इस वास्ते वो इन्नू बर्दाश्त नहीं कर सकती तुसी जाओ क्यों बीबी जी इन्हें तुहाडे नाल बदतमीजी कीती है कीती बदतमीजी मैं फिर भी कह रही है दो दिन काम कर लो खाना बना रोटी तेन पकानी नहीं आती उंज बड़ी वड्डी बवरचन बनी है तू मैं नाजरीन आपने यकीनी बात है कि ये जो सबक अमोस हमने खाका आपके सामने पेश किया ये आपके चेहरों पे मुस्कराहटें भी बिखेर रहा था और आप लोगों के लिए एक मैसेज भी दे रहा था कि बड़े लोगों के घर में छोटे मुलाजमों के ऊपर कैसे सलूक किया जाता है और हालांकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक बराबर रुतबे के साथ पैदा किया है और तमाम इंसानों के लिए एक ही यानी मियार रखा है लेकिन हमारे रवैयों की वजह से हमने तफरीक डाल दी कि ये अमीर है और ये गरीब है हालांकि अमीर और गरीब को एक ही यानी हकूक हासिल हैं और अल्लाह के यहाँ सिर्फ वही लोग बड़े हैं जो तकवे में बड़े हैं तो हमें इस इस्लाही ड्रामे से सबक सीखना चाहिए और अपने छोटे मुलाजम के साथ मोहब्बत शफकत और प्यार से रहना चाहिए। आज का प्रोग्राम जो है यकीनन आपको पसंद आया होगा और आखिर में हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम राय लेने के लिए और मैसेज उनसे लेने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब अब्दुल हक पन्नू साहब को कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और वो क्या मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहते हैं जनाब अब्दुल हक साहब। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नज़र ये है कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे ज़्यादा मखलूकात मुझे वाबस्ता नहीं और वहदत सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान ने इतमाई
जदों भी कोई चंद लोग कट्ठे हो के किसी अच्छे मकसद ले मिल बैठते हैं तो अल्लाह ताला नूं भी पसंद है और उसके नाल जमीन बेहतरी अदा होंगी। आज सब तो पहले तो मैं आज प्रोग्राम के प्लान के तुम्हारे तस्मीन का भाई मशहूर हाँ दूजी सोसाइटी की गल तक तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि खान साहब की ये टीम एक गुलदस्ते की माने यानी ये हर तबका फिक्र हर शोबे के लोग हर उम्र के लोग शामिल और दूसरे नंबर पर कि इन्हों का जोड़ा खिदमत का रंग है वो तो है ही है ये इन्होंने टीम एक अद्धी अद्धी अद्भी रंग भी पाया गया है कि जिदे माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने खास तौर पर पंजाबी कलाम जिक्र करना जरूरी समझना क्योंकि पंजाबी जबान ही असल अपने एहसास और जी अपने दिल की गल बेहतर कर सकते हैं लिहाजा इन्होंने तमाम टीम जी मुबारकबाद मुस्तैद है उन्होंने अच्छे तरीके प्रोग्राम चार टन लाए मजीद इन्होंने सरकारों ने प्रोग्राम ना सिर्फ रौनक बख्शी है बल्कि बड़े ही अच्छे अंदाज में चीजों को तवज्जो भी दिलाई है। इसे तरह ही इन्होंने मीडिया की टीम है शाहद खान साहब और इन्होंने साथी इन्होंने एक भरपूर नजम अंदाज प्रोग्राम चलाया है इस तरीके मैं समझना कि ये सारा ही जीवन जोड़ा सारे ही शिरकत जो मेरे को मुबारकबाद मुस्तैक ने मैं अपने अगले मेहमान मियां मोहम्मद भुट्टा साहब को गुजारिश करूंगा कि वो नाजरीन से मुखातब हों और मैं मोहम्मद भुट्टा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सूफियाना कलाम भी ज़रूर सुनाएं हमारे नाज़रीन को तो वो जब सूफियाना कलाम पढ़ते हैं तो यकीनी बात है कि एक रूहानी कैफ पैदा होता है तो मैं उनसे सूफियाना कलाम सुनना पसंद करूंगा जनाब भुट्टा साहब इस सब से सजता
तकलीफ होनी होनी छोड़ दी
खसूसी तौर पर खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी के नाम प्रोग्राम किया गया है और इसके जो रुए रवा हैं सरपरस्त हैं एजी खान साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम का वो मैसेज दें और सोसाइटी के हवाले से वो अपनी कारकर्दगी का इजहार करें। जनाब एजी खान साहब, सोसाइटी का यानी परेशानी इंसान अकेला ना रहे, परेशानियां दुख अंदर इंसान ना रह जाए, अल्लाह दो चार के साथी बैठन मिल के देख तसल्ला, परेशानियां दुख अंदर इंसान ना रह जाए, अल्लाह दो चार के साथी बैठन मिल के देख तसल्ला, इंसान जुड़े ने जिते इंसान बुरे ने जिते कटे परेशानी उदों कटे, जेकर जेकर मेरे कोई ऐसी रे जेकर जेकर मेरे कोई ऐसी रे बता दो आए आए सड़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं गिनती करा के अल्हम्दुलिल्लाह शायद मुहम्मद अट के दे जाएंगे कि मैं जो आसान साड़ी सच्ची कर चुकी है। मैं राती मोटी मोटी नजर पा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की सोसाइटी के प्रोग्राम फैला है, अल्लाह ताला की रहमत के बीच उन्हें कम अज कम 300 डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर चुके अपने ही अपने काम में। नहीं चंगा लगता तो मैं थाने वाले की मेहनत कर लेंगे जनाब, आज तक सोसाइटी वाले नाम पर ताली मार रहे हैं जे हाथ दसिया सोसाइटी पे करे जे पैसे कट जाए।
फिर सोसाइटी ने एक ही है इधर सब तो बड़ा भी कोई भी बंदा परेशान नहीं है पर तो करो सारे काम ते वे मुझे अल्लाह ताला नहीं आ रही आ रही कोई ये सभी इंतजार भी नहीं कर सकता लेकिन सोसाइटी ने एक काम जरूर कर दिया भाई जड़ा भी परेशान है उन्होंने दिया मेरा कसरा आ रहा मेरा मोटा आ रहा जे फसल को कख नहीं कर सकती तो असियत भाई तू रज के रो ही जा तेरा मैं जड़ा गुजर मेरा जड़ा तंगी है तकलीफ है वो बर्दाश्त कर लिया खुशखबरी सुना रहा दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं चौं क्लासा मुफ्त ट्यूशन पढ़ा रही करते ऐसे बच्चे पैदा कर दिए जान मैं अभी भी मैं आजादी के उत्ते जरा कोई आता साड़ी मदद करो माली का मेरा दिल ही नहीं मानता भी ये भीख मंगता हो रहा कर दी वो पैसे खर्च लेगा लोग जानगे अगर ओदा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बना देता या पढ़ा देता साड़ी भी मंगन तो जान चुकी ते माशरे भी फेर जाता और मैं अपनी सोसाइटी दे सारे भरे जड़े ओहदेदार ते जिम्मेदार बेटा दे मैं एक तुहानू दसां अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह ताडे बच्चियां दा बाहर जान दी बाहर दे मुल्क जान दी पूरा पूरा यार हो गया पूरा मैं इंशाल्लाह कोशिश करांगे कि हर एक दा एक एक बच्चा जरूर जन्म लवे अगे काम करदा रहे। इनके साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हसन यूसुफ साहब और वो बड़े एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो महकमा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनका तल्लक रहा और वो भी अपने तजर्बात की रोशनी में हमारे नाजरीन को आज के प्रोग्राम की निस्बत से आज का मैसेज दें। जनाब हसन यूसुफ साहब, अच्छा खान साहब ने आगे बात फरमाई है ना कि मैट्रिक और एफएससी के लिए ये फ्री ट्यूशन का इंतजाम कर रहे हैं, उसका बंदोबस्त कर लिया है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की हो रही है। आज से 600 साल पहले 600-700 साल पहले जब यहां ताजमहल बन रहा था ना, इंडिया में ताजमहल बन रहा था और यूरोप में यूनिवर्सिटियां बन रही थी, एक ताजमहल 50 यूनिवर्सिटियों की लागत पे बना था। और आप अंदाजा लगा लें कि हमने ताजमहल से कितना इस्तेफादा किया और उन्होंने यूनिवर्सिटियों से कितना इस्तेफादा किया। उन यूनिवर्सिटियों का ये सारा करिश्मा है जो हम आज बल्ब एक स्विच ऑन कर लेते हैं, हवाई जहाज पे आप सफर कर रहे हैं, इस तरह की कितनी ज्यादा जो नौ इंसानियत की सहूलियात के लिए दर समय दिया गया है। कुरान में हदीस में कुरान पाक बोलने उसमें दर हमारे लिए है, तस्खीरे कायनात मुसलमानों का सेवा है। अल हदीद सूरत है ना 27-12 में तो वाजे तौर पे बता दिया गया है कि जमीन की पोशीदगियों में ढूंढो इंसान के लिए नफा रखा गया है, फलकियात को तस्वीर करने का हुक्म दिया है, समंदरों की गहराइयों में, और आपने मुतअद्दिद बार उसमें आयतें पढ़ी होंगी कि समझने वालों के लिए निशानियां हैं। यहां तक हिंट दे दिया गया है कि समंदर में ये जो जमीन है इससे 100 गुना ज्यादा खुराक रख दी गई। देखते हैं ना कि ये सी फूड
सबसे कीमती खान साहब सी फूड है इस वक्त, वो जो हमें नहीं सीब अभी तक, ठीक है। तो लिहाजा मैं अप्रिशिएट करता हूं खान साहब इस बात को कि मेट्रो के एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने फ्री ट्यूशन का इंतजाम किया है, अता फरमाए जी अभिषेक, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। अच्छा ये जड़ी सारी चीज है ना, ये सारी मैनेजमेंट का जो इतने मैनेजमेंट बैठी है, ये सारा इन्हों का क्रेडिट है, खास साहब के नाल मोटा मोटे नाल मोटा जोड़ के चलन रहे ने, ते अल्लाह ताला इहदे विच बरकत पाए, ठीक है ना जी। ते लिहाजा इस चीज नूं एजुकेशन दा नेमर बदल कोई नहीं। बेशक हमारे अगले मेहमान चौधरी करामत अली ततला साहेब जो फैज़ अहमद फैज़ के घराने के चश्म चिराग हैं, वो भी आपसे मुखातब होते हैं। जनाब करामत ततला साहब, खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी जी है, इसके दो नाम हैं, एक तो खिदमतगार यानी खिदमत करती है, दूसरा वेलफेयर फलाह बहबूद का काम करती है। आमतौर पर सोसाइटी का सिर्फ एक नाम होता है, सोसाइटी सोसाइटी है जिसके दो नाम, और हर सोसाइटी फंड दी जाती है, लेकिन इस सोसाइटी के किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता। यह क्रेडिट जरा सबसे पहले तो मैं इस्लाही की बात करूंगा, जैसा मेरी बहन ने अपने फंड का मुशारा एज ए मालिका और नौकरानी का करने के बाद आखिर में जो हमें सबक दिया है वो यह है इंसानियत। अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत होनी चाहिए, और अगर इंसानियत है तो इस्लाह है। इसका मतलब यह है कि आज का प्रोग्राम जो है शायद यहाँ साहब ने इस्लाही प्रोग्राम उसका नाम अच्छा रखा है। उसके बाद है तफरीही प्रोग्राम, जैसा कि आप सबको पता है कि माशाल्लाह बड़े मजेदार प्रोग्राम दिए गए थे और सब इस पे जो है मुस्कुरा रहे थे, चेहरों पर मुस्कुराते तो ये ऐसे ही थी। अब लास्ट पे जो है वो है फैमिली प्रोग्राम। जब हम कहते हैं कि हम यार एज ए फैमिली मेंबर हैं, तो घरों में हमारी माएं भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, बेटियां भी होती हैं, बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, सब होते हैं, वो है फैमिली मेंबर। तो आज का ये प्रोग्राम जो है ये भी फैमिली मेंबर है। वो क्यों है? देखिए ये हमारी दो बहनें जो बैठी हुई हैं, ये एज ए फैमिली मेंबर हैं। तो ये इस्लाही तफरीही और फैमिली प्रोग्राम जो है ये सब नहीं है। अब शाहजहां साहब जो है मैं इनको बड़ी देर से जानता हूं, इन्होंने पहले मेरा नारोल अखबार शुरू किया था, मेरा नारो आरो आरो आरो, उसके बाद मेरा नारोल न्यूज की बड़े चैनल से टीवी में वो करते हैं, जैसा कि बोल न्यूज है, एआरबी है, एक्सप्रेस है, न्यूज है, लेकर सेवन स्टार है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ शाहजहां साहब को जिन्होंने इस धरती का नाम के नाम पे अपना प्रोग्राम जो है ये न्यूज टीम रखा है। इनके लिए सिर्फ एक दफा क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक दफा और जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और इसमें हमारी कोशिश रही कि एक मैसेज भी दिया जाए और सोसाइटी की कारकर्दगी से भी आपको आगाह किया जाए, और तमाम सोसाइटी के अहदेदारान और कारकुनान इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप मखलूक खुदा की खिदमत में अपना अहम करदार अदा कर रहे हैं।
मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा नारवाल न्यूज़ आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अपने मेज़बान शाह ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।